सुबह सुबह ही सुधार करना, सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा, ये तो सबको हमने उपलब्ध करा दिया। अब आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम त्रिफला एक ही साथ मिला करके हमने जूस का नाम ही रख दिया आरोग्य जूस। क्या है बोलो? आरोग्य जूस की 2 से 4 चम्मच पी लो। अब देखो सुबह सुबह पीने वाली 10 यूं चीज बता रहा हूं। जिनको पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो 3 चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण। एक का नाम है गोधन अर्क, दूसरा है गोखरू और तीसरा है लौकी। और लौकी जिनको टेस्टी नहीं लगती, टेस्टी टेस्टी बनानी है तो उसमें तुलसी, उसमें धनिया और पुदीना मिला लो, इतनी टेस्टी बनती है। फिर वो लौकी का जूस इतना टेस्टी होगा कि मतलब उसके सामने सारे फ्रूट जूस भी फीके पड़ जाते हैं। और जिनको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, खाली कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है या बॉडी को डिटॉक्स ही रखना है, ओवरवेट होने से बचना है, हीमोग्लोबिन अच्छा रखना है, पाचन तंत्र अच्छा रखना है, ब्लड प्रेशर नहीं होने देना, स्ट्रेस नहीं बढ़ने देना शरीर में, और तमाम तरह के टॉक्सिन्स नहीं बढ़ने देने, एक पाद से दोनों पादों से, पाद मतलब पैर, पद का मतलब होता है जिसमें गतिशीलता है, लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये अर्ध अलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन ऐसे कर लेना, आरोग्य जूस पीना। अब 100 बीमारियों को आप ठीक कर लेते हैं क्या करके? आंवला एलोवेरा जूस पी करके। आंवला एलोवेरा का जूस पियो और 100 साल स्वस्थ होकर के जियो, युवा होकर के जियो। लिव द हेल्दी लाइफ फॉर 100 ईयर्स। आंखों की बीमारी, बालों की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी, कमजोरी की बीमारी, महावारी की बीमारी, कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं अकेला आंवला एलोवेरा से ही। आंवला एलोवेरा जूस पियो सब के लिए, फिर उसमें गिलोय तुलसी नीम हल्दी और थोड़ा त्रिफला दे लेना है तो ये ले लेना। जिनकी इम्यूनिटी वीक है गिलोय घनवटी खा लेना। अब तो गिलोय घनवटी एडवांस भी बना दी है हमने, उसमें अश्वगंधा भी थोड़ा मिला दिया, तुलसी भी मिला दिया, त्रिफला भी मिला दिया, गिलोय घनवटी एडवांस।